हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप भी सोच रहे हो घर पे कोई भी क्लीन करने के लिए एक अच्छा सा इक्विपमेंट मिल जाए जिसके थ्रू आप अपना विंडो हो गया, फ्लोर हो गया, या फिर अलमीरा हो गया, या फिर कोई भी कपबोर्ड वगैरह क्लीन करना चाहो, तो ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था 59 रुपीज़ में। अमेजोन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है सेम इस टाइप का ही क्लीनिंग करने का इक्विपमेंट, कोई 100 रुपीज़, 150, 200 का सेल कर रहा है। जो सेलर से मैंने परचेस किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था तो उससे क्या आपको भी कम प्राइस में मिल जाए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। तो ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताया, तो इधर आपको हैंडल देखने को मिलेगा, पूरा प्लास्टिक मटेरियल में आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर के साइड में माइक्रो फाइबर लगा हुआ है और साथ में कॉटन वगैरह का यूज़ किया गया है जिसके कारण जो भी डस्ट रहते वो सारे के सारे इसमें अटैच हो जाते हैं। ये पूरा फ्लेक्सिबल है, किसी भी डायरेक्शन में आप टर्न कर सकते हो, इस तरह टर्न करके आप क्लीन कर सकते हो। तो आप फॉर एग्जांपल विंडो क्लीन कर रहे हो, विंडो के ग्रिल हो गए वो क्लीन कर रहे हो, उस पर डस्ट लगे हुए, तो इससे आपको टर्न करना है, टर्न करके आप क्लीन कर सकते हो। आपको अलमीरा क्लीन करना है तो अलमीरा क्लीन करने के लिए भी आप इसे जो डायरेक्शन में टर्न करना चाहो टर्न करके क्लीन कर सकते हो। इसके अंदर पूरे सरफेस को एकदम प्रॉपरली क्लीन कर सकते हो जिसके कारण जो भी डस्ट वगैरह रहेंगे सरफेस पे वो सारे के सारे इसमें अटैच हो जाएंगे और नीचे भी नहीं गिरेंगे। जैसे कि काफ़ी बार हम अपने झाड़ू वगैरह से क्लीन करते तो जो भी डस्ट रहते वो नीचे गिर जाते, पर इससे आप जब क्लीन करोगे तो सारे के सारे इसमें अटैच हो जाते हैं और इससे आप फिर से सीधा करना चाहते हो तो फिर से सीधा भी कर सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने फिर से सीधा कर लिया। डाइनिंग टेबल हो गया, इसे क्लीन करना इसे भी क्लीन कर सकते हो। डाइनिंग टेबल की चेयर हो गई, इसे क्लीन करना तो इसे भी क्लीन कर सकते हो। आपका टी टेबल हो गया, कोई नॉर्मल आपके प्लास्टिक की चेयर हो गई, इस पर भी बहुत ही सिंपल तरीके से क्लीन कर सकते हो। तो जितने भी सरफेस है सभी जगह क्लीन कर सकते हो। और भी बेनिफिट इसका ये है कि फॉर एग्जांपल आपका गद्दे वगैरह है तो गद्दे पे, या फिर आपका खाट या फिर सोफा वगैरह है इसके ऊपर डस्ट जमा हुई तो इसको आप इसके ऊपर जो कि इस तरह मार के जो भी डस्ट वगैरह वो वहाँ से बाहर भी निकाल सकते हो। तो बाहर आने के बाद में फिर आप इसके ऊपर घुमा के उससे भी क्लीन कर सकते हो। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट है, तो इसको यूज़ करने के बाद में जो कि आपको काफ़ी सारे बेनिफिट देखने को भी मिलेगी और काफ़ी यूज़फुल आपको देखने को मिलेगा। लेंथ की बात करें अराउंड 1.8 फीट के करीब इसकी ओवरऑल लेंथ है और अंदर की साइड में आप देख सकते हो तो इसका अटैचमेंट एकदम बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बनाया हुआ है जिसके कारण ये हमारे जो ये भी रिमूव नहीं होते। अब इसको वॉश करना कैसे, वॉश करना भी बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपल कोई भी बकेट में डुबोना है या फिर आप सर्फ वाला बकेट है जिसके अंदर अपने क्लोथ वगैरह डुबो के रखते हो इसके अंदर डुबो के आपको इसे रख देना है। ऑटोमेटिकली इसके जो भी डस्ट वगैरह रहेगी वो सर्फ में जो कि पानी में निकल जाएगी, उसके बाद में फिर आप नॉर्मल पानी में एक दो बार इसे डुबो के निकाल के आप सुखा सकते हो और आप इसको जो कि इस तरह हाथ से भी पानी में डुबो के बाद में क्लीन कर सकते हो। तो दो तीन तरीके जब आप इसे यूज़ करोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसे वॉश भी कर पाओगे, तो वॉशेबल भी ये है। सो सभी चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में बता दी है, कुछ भी चीज़ मैं भूल गया रहा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये मैंने अमेजोन से परचेस किया था 59 रुपीज़ में। अमेजोन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर है सेम, ये कोई 100 रुपीज़, 150, 250 का सेल कर रहा है। जो सेलर से मैंने परचेस किया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था तो हो सके आपको भी कम प्राइस में मिल जाए, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्राइस अप एंड डाउन भी होते रहता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगा जाते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।